लोकसभा चुनावों से ही ईवीएम लगातार सवालों के घेरे में है। इसे लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठाई गई और अब चुनाव आयोग भी ईवीएम की जांच के लिए तैयार हो गया है। तो कैसे होगी ईवीएम की जांच? देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों से ही विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर प्रत्याशी चाहते हैं तो चुनाव के बाद ईवीएम की जांच की जाएगी, लेकिन चुनाव में दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाला उम्मीदवार ही इसकी मांग कर सकता है। साथ ही एक विधानसभा क्षेत्र की अधिकतम 5% ईवीएम की जाँच कराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ईवीएम के मॉक पोल को भी तैयार हो गया है, जबकि लोकसभा से पहले विपक्ष की इसी तरह की मांगों को चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ईवीएम की जांच को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग के पास ईवीएम की जांच के लिए 8 आवेदन पहुंचे हैं और जिन उम्मीदवारों ने आवेदन दिए हैं उनके सामने ईवीएम का मॉक पोल भी कराया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार या उसका कोई भी प्रतिनिधि शामिल होगा जो अपनी मर्जी से ईवीएम में 1400 वोट डालेगा। इसके बाद इन वोटों की काउंटिंग कराई जाएगी और ईवीएम वीवीपैट और डाले गए वोटों का डेटा मिलाया जाएगा, जिससे साफ होगा कि ईवीएम सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईवीएम की जांच को लेकर 1 जून को चुनाव आयोग ने एसओपी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि एक ईवीएम के हिसाब से 40,000 रुपए का भुगतान करना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।